जिले में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हेतु मेडिकल कॉलेज की मांग। आज जनपद के जिला पंचायत सभागार के समक्ष जनपद के युवाओं व समाज सेवियों द्वारा सांकेतिक उपवास धरना का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अभिषेक तिवारी द्वारा की गई। गोंडा जिले में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होने के कारण गोंडा की जनता आज उपेक्षित है। गोंडा जिले में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था एवं निजी नर्सिंग होमों में हो रही है धन की उगाही, जिसके कारण गोंडा की जनता त्रस्त है। धरना का आयोजन उन सभी सातों विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को जगाने के लिए है कि अगर अन्य जिलों की तरह गोंडा जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराने के लिए इनके द्वारा प्रयास नहीं किया गया तो गोंडा की जनता सार्वजनिक रूप से सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगी। युवाओं ने सरकार से कल से शुरू होने जा रहे विधायक सत्र में अपने द्वारा दिए गए वादे को पूरा करते हुए गोंडा जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा करने की उम्मीद की है। धरने में प्रदीप मौर्य, विशाल सिंह, फरहान, हसीब अंसारी, पूर्व साकेत उपमंत्री नागेश प्रताप सिंह, रजत सिंह प्रगतशील प्रदेश कार्य समिति सदस्य, हर्षवर्धन सिंह, अंकित सिंह, विनय यादव, अविनाश यादव, रहमान, सोएब अख्तर सहित सैकड़ों युवा व समाज सेवी सहित जनपदवासी मौजूद रहे। इंडिया 24x7 लाइव टीवी से मोहम्मद कलीम की रिपोर्ट। छात्रों ने, बच्चों ने जो मेडिकल कॉलेज स्थापना की मांग गोंडा में हमारे मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी, तो इन बच्चों ने आज उस सरकार को याद दिलाने का कार्य किया है कि आप लोग केवल घोषणा ही करते हैं और जमीन पर भी वो कार्यान्वित होगा। तो इनकी जो मांग है बहुत ही सराहनीय है और गोंडा जनपद को बहुत ही जरूरी है मेडिकल कॉलेज, जिसका यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उसका अभी तक मजाक उपवास उड़ाया, इनके समझ में नहीं आया और इन लड़कों ने उनके गाल पे तमाचा मारने का कार्य किया। क्या कांग्रेस ने इनको समर्थन? बिल्कुल, हम समर्थन देने ही इनको यहाँ पर आए हैं और आपसे मेरी इसलिए बात हो रही है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य, बहुत ही सराहनीय कदम उनके द्वारा उठाया गया और इनकी मांगों का हम पुरजोर समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी आगे करती भी रहेगी, चाहे इसके लिए हम लोगों को गोली और लाठी जो भी खाना पड़े हम खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मांग बहुत ज्यादा। आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ शुक्ला। इन लोगों को लेके आप लोग यहाँ पे धरने? ये हमारे संघर्ष के साथी अभिषेक तिवारी जी ने अलग जगाई इस धरने का आयोजन किया गया है। मेडिकल कॉलेज की सख्त आवश्यकता है गोंडा में। गोंडा की जनता त्रस्त है, बदहाल व्यवस्थाएं हैं प्राइवेट नर्सिंग होमों में, जिला अस्पताल की भी व्यवस्था सही नहीं है। गोंडा से 120 किलोमीटर का दायरा है, फिर हम जाके वहाँ लखनऊ में मेडिकल कॉलेज है। इस बीच में जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, कभी कभी सही या उचित इलाज ना मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इस सिचुएशन में हम इस धरने का भरपूर समर्थन करते हैं। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया इस धरने का भरपूर समर्थन करती है। अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम यही, हमारे संघर्ष के साथी, जब तक हमको गोंडा में मेडिकल कॉलेज की सौगात नहीं मिल जाती है, तब तक हम ऐसे ही संगठन को संगठन का समर्थन देकर और अपने युवा साथियों के साथ इसके आगे भी धरना देंगे। अगर यहाँ पर बात नहीं मानी जाती है तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे, वहाँ तक हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम लोकसभा का भी घेराव करेंगे, पार्लियामेंट को भी घेरेंगे और हमारी जो मांग है उसको पूरा किया जाए। हमारा समर्थन मेडिकल कॉलेज के लिए है कि गोंडा में मेडिकल कॉलेज की सौगात दी जाए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सातों विधानसभा में विधायक हैं, सूबे के एक कैबिनेट मंत्री भी हैं जो कि मनकापुर से विधायक भी हैं, लेकिन उसके बाद भी गोंडा में मेडिकल कॉलेज के लिए कोई भी प्रयास उन नेताओं के द्वारा नहीं किया गया।